हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ ले। तो आज मैं जाऊंगा ले पैलेस एंड मौसम तो अभी थोड़ा सा क्लाउडी है, तो लेट्स सी ऊपर से कैसे शॉट्स आते हैं। तो मैंने 4:30 का अलार्म रखा था। 4:30 अलार्म के बाद मैं थोड़ा सा कैमरा वगैरह चार्ज करके निकल जाता हूँ ले पैलेस के लिए। और हॉस्टल से ले पैलेस है 20 मिनट्स दूर है, तो ऐसा रास्ता है हॉस्टल से जाते वक्त। बीच में गुरुद्वारा भी आता है, गुरुद्वारे के ऊपर से एक लेफ्ट टर्न है, वहाँ से ऊपर जाते हैं, तो पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है। एंड अगर ले पैलेस की बात करें तो ले पैलेस 1665 में इट वाज बिल्ट, और जो इसका आर्किटेक्चर है वो इंडो टिबेटन आर्किटेक्चर है। तो जो ले पैलेस का जो बिल्डिंग है वो एक 9-स्टोरी बिल्डिंग है, जहाँ पे नमग्याल डायनेस्टी रूल करता था जब बहुत पहले, लाइक 400 ईयर्स अगो। बट इन 1900 यहाँ पे जो डोगरा फोर्सेस ने कंट्रोल लिया था लद्दाख का, उसके बाद जो यहाँ का नमग्याल डायनेस्टी था वो यहाँ से चला गया था। वो चला गया था स्टोक पैलेस, वहाँ पे भी एक स्टोक इज अ विलेज, वहाँ पे पैलेस है, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे पूरा फैमिली। एंड जब यहाँ पे वो फैमिली रहता था, नमग्याल डायनेस्टी का जो रॉयल फैमिली रहता था, तो वो अपर फ्लोर्स में रहते थे। 9 स्टोरी का जो ये पैलेस है वो इसके अपर स्टोरीज में रहते थे। तो जो नीचे का स्टोरीज है या तो वो खाली रहता था, या तो वहाँ पे स्टोर हाउस होते थे, या तो वर्कर्स रहते थे वहाँ पे। मैं ले पैलेस पहुँच गया हूँ और जो यहाँ से व्यू है दैट इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग। 5 के अराउंड आई लेफ्ट माई हॉस्टल, और मेरे हॉस्टल से इट्स 30 मिनट वॉक। एक छोटा सा बीरोल हो जाए यहाँ का, हो जाए। बाय द वे, दिस इज ले पैलेस। जो मेरे पीछे भी पूरा देख रहे हैं, दिस इज ले पैलेस। यहाँ से ऊपर जाके थोड़ा सा हाइक करके, 5-10 मिनट्स हाइक करके एक गोंपा आता है। प्लान तो ये था कि गोंपा जाके सनराइज शूट करना है, बट क्लाउड कवर इतना ज़्यादा आ गया कि ड्रिजल भी हो रहा है, तो ऊपर जाके कोई पॉइंट नहीं है सनराइज शूट करने का। सो आई थॉट यहीं रहता हूँ, हॉस्टल से यहाँ हाइक करके आ जाओ, पीसफुली यहाँ बैठ जाओ और व्यू इन्जॉय करो यार। तो मैं ले पहले सनराइज़ के लिए आया था, बट सनराइज़ नहीं होता है, इसलिए मैं वापस चला जाता हूँ नीचे हॉस्टल की तरफ। तो नीचे जाते जाते ले मेन मार्केट का एक व्यू पॉइंट आता है, जहाँ से वो बहुत अच्छा एक व्यू दिखता है, पूरा मार्केट ऊपर से दिखता है। एंड फिर मैं हॉस्टल की तरफ निकल जाता हूँ नीचे जाके। तो हॉस्टल जाते जाते मैं ले पैलेस का थोड़ा एक बैकड्रॉप दे देता हूँ हिस्ट्री का। तो यहाँ पे 1841 में और 1842 में एक वॉर हुआ था, जिस वॉर का नाम था डोगरा टिबेटन वॉर। तो उस वॉर में क्या था, जो जोरावर सिंह था वो कॉन्क्वेस्ट पे था, तो अपना बाउंड्री एक्सटेंड करना था। लद्दाख का जो ट्रेडिंग रूट है वहां तक उसको अपना बाउंड्री एक्सटेंड करना था। टेरिटरी नया था जोरावर सिंह के लिए, तो बिकॉज ऑफ दैट जो वेदर कंडीशन था और ऑल्टीट्यूड था, उसकी वजह से उसको काफी सफर करना पड़ता है और उसका डिफीट हो जाता है इस वॉर में। वो होता है पुरंग में, जो एक टिबेटन टाउन है जो अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में आता है। तो जोरावर सिंह के डिफीट के बाद गुलाब सिंह अपना एक आर्मी भेजता है, और जो आर्मी भेजता है उसका एक बैटल होता है। तो वो जो बैटल होता है वो होता है लद्दाख में चुनसल जगह में, चुनसल विलेज में ये बैटल होता है, जो गुलाब सिंह अपना आर्मी भेजता है टिबेटन आर्मी से होता है। इसमें टिबेटन आर्मी का डिफीट हो जाता है, और इसमें डिफीट के बाद एक ट्रीटी साइन होता है, जिस ट्रीटी का लिटरली मीनिंग ये था कि नो साइड लूजेस और गेन्स एनी टेरिटरी। दोनों साइड ने कोई भी टेरिटरी लूज नहीं किया और गेन नहीं किया। तो ये कुछ बैकड्रॉप था ले पैलेस का, बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है। एंड अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो ले जो ले है दैट इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3500 meters, एंड जो ले है दैट इज द लार्जेस्ट सिटी एंड जॉइंट कैपिटल ऑफ लद्दाख। जो अभी देखा आपने वो पूरा ले पैलेस था, ठीक है। तो वहाँ से 20-25 मिनट्स बाय वॉक, वहाँ से आके अभी मैं हॉस्टल पहुँचा हूँ और अभी चाय पी रहा हूँ, क्योंकि दिन की शुरुआत तो चाय सी होती है, इसलिए।
आज डे टू है एंड मॉर्निंग में मैं ले पैलेस गया था, ठीक है। उसके बाद आके मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया था। तो जब मैं मॉर्निंग में ले पैलेस गया था तो मुझे वहाँ पे एक और सोलो ट्रैवलर मिल गए थे, तो उनके साथ अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे शांति स्तूपा का स्टैचू है बुद्धा का, वो देखने जा रहे हैं। तो अभी मैं हॉस्टल में था, तो अभी यहीं से हम बाइक में जाएंगे शांति स्तूपा। नियर बाय है, लाइक अराउंड 2 किलोमीटर। आगे के जो शॉर्ट्स आएंगे वो उधर के ही आएंगे, एक्शन गेम के। अर्चित हॉस्टल के बाहर ही आ जाते हैं जो मुझे मॉर्निंग में मिले थे, एंड फिर हम जाते हैं शांति स्तूपा की तरफ। तो अभी हॉस्टल से जाते जाते ऐसा रास्ता आता है, छोटा सा रास्ता है, एंड यही रास्ता फिर बाहर जाके मेन रोड पे मिलता है। एंड जो मेन रोड है वहाँ से शांति स्तूपा जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं बाइक में, उससे ज़्यादा नहीं। और शांति स्तूपा बिल्कुल एक हिल टॉप पे है, तो जो रास्ता है वो पूरा चढ़ाई वाला है एंड काफ़ी सीनिक सा व्यू आता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो नज़ारा है वो और भी अच्छा होता जाता है, और जो ले सिटी है उसका एक पूरा पैनोरामिक सा व्यू दिखता है ऊपर से। तो नज़ारा जो है वो ऊपर से काफ़ी अच्छा है बाइक राइड करते टूवर्ड्स शांति स्तूपा। एंड ये जो कार्स हैं यहाँ से, ये पार्किंग है शांति स्तूपा का, एंड यहीं से मेन गेट है, यहाँ से एंट्रेंस होता है शांति स्तूपा का। एंड फॉर इंडियंस देर इज़ अ टिकट ऑफ 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ का टिकट लगता है इंडियंस के लिए। जो शांति स्तूपा का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी फैसिनेटिंग है, क्योंकि जो उसका आर्किटेक्चर है दैट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम जापान। तो जो शांति स्तूपा है इट वॉज बिल्ट इन 1991 में बना था टू सेलिब्रेट 2500 ईयर्स ऑफ बुद्धिज़्म। और जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हुआ था जापनीज बुद्धिस्ट मॉन्क और जो लद्दाखी बुद्धिस्ट मॉन्क है उनसे हुआ था। तो जो जापनीज मॉन्क है उसका नेम था भिक्षु ग्योमो नकामुरा। शांति स्तूपा जो है दैट इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। और अगस्त 1985 में हिज होलीनेस दलाई लामा 14, जिनका रियल नेम है टेंजिन गैत्सो, उन्होंने इसका फाउंडेशन किया था, इनॉग्रेशन किया था। और जो शांति स्तूपा है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो 2 लेवल्स में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है उसमें धर्म चक्र है जिसमें 2 डियर बने हैं दोनों साइड पे, जो और जो चक्र है उसके बीच में है बुद्धा, गोल्डन बुद्धा है सर्कल के बीच में, जो रिप्रेजेंट करते हैं व्हील ऑफ धर्म। और जो इसका जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करता है लाइफ साइकिल ऑफ बुद्धा एंड मेडिटेटिंग बुद्धा। तो ये कुछ हिस्ट्री था शांति स्तूपा का। और जो यहाँ से जो व्यू है पैनोरामिक व्यू वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, यहाँ से पूरा ले मार्केट, ले टाउन, ले एयरपोर्ट, स्पितुक विलेज, ये सब दिखता है यहाँ से। सो अभी हॉस्टल के बाद हम बाइक राइड करके यहाँ पे आए थे शांति स्तूपा। तो दिस इज शांति स्तूपा, और वहाँ से टाइम लैप्स भी बनाया था। जो यहाँ पे मौसम भी बहुत ख़राब हो गया, थोड़ा ड्रिजल भी हो रहा है। और अभी हम एक स्टैचू जा रहे हैं, तो यूनिक सा है। सो अभी हम नीचे जाएंगे बाइक पे और फिर वहीं पे जाएंगे। तो शांति स्तूपा से नीचे जाते जाते डिसाइड होता है कि जो एक ब्लैक बुद्धा है वहाँ पे भी जाना है, बट जो वो ब्लैक बुद्धा है दैट इज़ एक्चुअली बुद्धा स्टैचू विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। तो वो बन रहा है अभी, पूरा तैयार हो रहा है, इसलिए दूर से वो ऐसे ब्लैक सा नज़र आता है, काफ़ी अच्छा सा लगता है। तो वहाँ जाने से पहले डिसाइड होता है नीचे कैफ़े में कुछ खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं, और लंच करते करते जो माउंटेंस का व्यू है वो भी इंजॉय करते हैं। एंड फिर लंच करने के बाद हम शांति स्तूपा से एग्जिट ले लेते हैं और बाइक राइड करते हुए जाते हैं टूवर्ड्स दैट स्टैचू ऑफ बुद्धा। तो जो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है बुद्धा स्टैचू का, ये शांति स्तूपा से ऑपोजिट दिखता है माउंटेन में सामने। और यहाँ पे आने के लिए 20 मिनट्स लगे थे बाइक राइड करके। एंड जो यहाँ से जो व्यू है माउंटेन्स का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं बैकग्राउंड में। तो ये जो बुद्धा का जो स्टैचू कंस्ट्रक्ट हो रहा है ये गंगलेस विलेज में आता है। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होता है, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं जाऊँगा ले मेन मार्केट और गोंपा भी जाऊंगा, और वहाँ पे फूड भी एक्सप्लोर करूंगा। तो दिस विल बी इन episode 3। तो episode 3 कुछ दिन बाद ही अपलोड हो जाएगा। एंड एंड इफ यू स्टिल वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद द फ्रेंड्स जो लद्दाख जाने का प्लान बना रहे हैं। एंड
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ.